एवरीवन, दिस इज मेघा। आज ये हमारा पहला टॉपिक है, हिस्ट्री चैप्टर 7, सिविलाइजिंग द नेटिव एंड द एजुकेटिंग द नेशन। ये हमारा क्लास 8 का फर्स्ट लेक्चर रहेगा। इन द अर्लियर चैप्टर्स यू हैव सीन हाउ ब्रिटिश इफेक्टिव राजाज एंड नवाब पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स। अभी तक के आप चैप्टर्स में ये देख चुके हो कि ब्रिटिश रूल ने कैसे इफेक्ट किया था, क्या क्या उस पर इफेक्ट रहा था, राजाज पर, नवाब पर, पीजेंट्स पर, ट्राइबल्स पर इसका क्या इफेक्ट रहा है। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इम्प्लिकेशंस इट हैड बीन फॉर द लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स की लाइफ के ऊपर इनके क्या इम्प्लिकेशंस रहे थे। फॉर द ब्रिटिश इन इंडिया वॉन्टेड नॉट ओनली टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट। स्टार्टिंग के अंदर ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया के ऊपर अपना अधिकार जमाना नहीं चाहते थे, एंड कंट्रोल ओवर रिवेन्यूज़। उनका जो मेन मोटिव था वो रिवेन्यूज़ को लेकर था। दे ऑल्सो फेल्ट दैट दे हैड अ कल्चरल मिशन। उनको लगता था कि उनका एक कल्चरल मिशन भी है। दे हैड टू सिविलाइज द नेटिव। नेटिव कौन से थे? वहाँ के रहने वाले लोग। और ये क्या चाहते थे? इंडिया के पीपल को सिविलाइज करना चाहते थे। चेंज देयर कस्टम्स एंड वैल्यू। इनके कस्टम और वैल्यूज़ को वो चेंज करना चाहते थे। सो व्हाट चेंजेस वर टू बी इंट्रोड्यूस? How were Indians to be educated, civilized and made into what the British believed were good subjects? अब इसमें आके हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उन्होंने क्या चेंजेस उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, क्या चेंजेस से वो इंडियंस को सिविलाइज करना चाहते थे। द ब्रिटिश कुड नॉट नो सिंपल आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। अब इसे हम आगे पढ़ते हैं, हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन, वो एजुकेशन को कैसे देखते थे। सो लेट अस लुक एट द व्हाट द ब्रिटिश थॉट एंड डिड। क्या ब्रिटिश हमारे बारे में सोचते थे, उन्होंने क्या किया, एंड हाउ सम ऑफ द आइडियाज ऑफ एजुकेशन दैट वी नाउ टेक फॉर ग्रांटेड इवॉल्व्ड इन द लास्ट 200 इयर्स। किस तरह से उन्होंने एजुकेशन में चेंजेस लाए थे। सो इन द प्रोसेस ऑफ दिस इंक्वायरी वी विल ऑल्सो सी हाउ इंडियंस रिएक्टेड टू ब्रिटिश आइडियाज। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि जो ब्रिटिश के आइडिया के ऊपर इंडियंस का रिएक्शन कैसा था। दे डेवलप देयर ओन व्यूज़। उनके खुद के व्यूज़ क्या थे अबाउट हाउ इंडियंस वर टू बी एजुकेटेड, कैसे वो इंडियंस को एजुकेटेड करना चाहते थे। सो द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। इन 1783 एक पर्सन है जिसका नाम है विलियम जोन्स। वो कहाँ आते हैं? अराइव्ड इन द कलकत्ता। ही हैड एन अपॉइंटमेंट एज अ जूनियर जज एट द सुप्रीम कोर्ट। उनकी अपॉइंटमेंट कहाँ हुई थी? सुप्रीम कोर्ट में एज अ जूनियर जज में, दैट द कंपनी हैड सेटअप। इन एडिशन टू बींग एन एक्सपर्ट इन लॉ, जोन्स वॉज अ लिंग्विस्टिक। जोन क्या थे? लिंग्विस्टिक थे। अब लिंग्विस्टिक कौन होता है? लिंग्विस्टिक समवन हु नोज एंड स्टडीज सेवरल लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक वो पर्सन को कहा जाता है जिस पर्सन को एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस का ज्ञान होता है, जिसको एक से ज़्यादा लैंग्वेज वो बोल सकता है। सो ही हैड स्टडीड ग्रीक एंड लेटिन एट ऑक्सफोर्ड। उन्होंने ये लैंग्वेज ऑक्सफोर्ड में पढ़ी थी। न्यू फ्रेंच एंड इंग्लिश, उनको फ्रेंच और इंग्लिश भी आती थी, एंड अरबिक फ्रॉम अ फ्रेंड, एंड ऑल्सो हैड लर्न पर्शियन। उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज को भी लर्न किया हुआ था। एट कलकत्ता ही बिगिन स्पेंडिंग मैनी आवर्स अ डे। कलकत्ता में वो क्या करते थे? अपने बहुत सारे घंटे स्पेंड किया करते थे एक पंडित के साथ। वो उन्हें क्या पढ़ाते थे? संस्कृत लैंग्वेज पढ़ाते थे। सबटिलिस क्या होता है कि मतलब बारीकी से पढ़ाना किसी चीज़ को, संस्कृत लैंग्वेज को, ग्रामर्स को एंड पोएट्री को। सोन ही वॉज स्टडिंग एंशियंट इंडियन टेक्स्ट ऑन लॉ, फिलोसफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मोर्टैलिटी, अर्थमेटिक, मेडिसन एंड अदर साइंसेस। के बाद इन्होंने बहुत सारी और भी चीज़ों को पढ़ा। सो जोन्स डिस्कवर दैट हिज इंटरेस्ट वॉज शेयर बाय मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स लिव्स इन कलकत्ता एट द टाइम। जो उनको क्या लगता था कि उन्हें अपनी नॉलेज और इंटरेस्ट को दूसरे ब्रिटिशर्स के साथ भी शेयर करना चाहिए जो कलकत्ता में थे उस टाइम। इंग्लिश मैन लाइक हेनरी थॉमस कॉलब्रुक एंड नेथन हैलर्ड वॉज ऑल्सो बिजी डिस्कवरिंग द एंशियंट इंडियन हेरिटेज। यहाँ पर बहुत से ब्रिटिशर्स थे जो इंडिया के कल्चर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। मास्टरिंग इंडियन कल्चर एंड ट्रांसलेटिंग संस्कृत एंड पर्शियन वर्क्स इन टू इंग्लिश। वो क्या चाहते थे कि यहाँ का जो कल्चर है उसको किस में ट्रांसलेट करना चाहिए? इंग्लिश में। टुगेदर विद दम जोन सेट अप द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इन सब ने मिलकर क्या किया? एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई एंड स्टार्टेड अ जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्च। जॉन एंड कॉलब्रुक केम टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया। जॉन और कॉलब्रुक का क्या था? एक अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड था इंडिया के लेकर। दे शेयर्ड अ डीप रिस्पेक्ट फॉर एंशियंट कल्चर। वो अपनी बहुत अच्छी रिस्पेक्ट दिखा रहे थे हमारे यहाँ के इंडिया के कल्चर को लेकर। बोथ ऑफ इंडिया एंड द वेस्ट इंडियन सिविलाइजेशन दे फेल्ट हैड अटेंड इट ग्लोरी इन द एंशियंट पार्ट।
बट हैड सब्सिक्वेंटली डिक्लाइन. उनको लगता था कि बहुत ज़्यादा मतलब ग्लोरी मतलब उस पार्ट को दिखाया जा सकता है, लेकिन अभी इतना शो नहीं हो रहा. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया इट वॉज नेसेसरी टू डिस्कवर द सैक्रेड एंड लीगल टेक्स्ट दैट वॉज प्रोड्यूस्ड इन द एंशियंट टाइम. उनको लगता था कि जो इंडिया का कल्चर है वो बहुत ही, आपको पता है कि हमारा एंशियंट कल्चर बहुत फेमस रहा है, फॉर ओनली दोज टैक्स कुड रिवील द रियल आइडियाज़ एंड लॉज ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम. जिससे हम जान सकते हैं कि क्या आइडियाज़ थे उस टाइम, किस तरह से लॉज फॉलो करते थे हिंदू और मुस्लिम. एंड ओनली अ न्यू स्टडी ऑफ दीज टैक्स कुड नाउ द बेसिक ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इन इंडिया. और ये जो सिस्टम है यही क्या डिसाइड करेगा, हमारी फ्यूचर की डेवलपमेंट. सो जॉन्स एंड कॉलब्रुक वेंट अबाउट डिस्कवरिंग एंशियंट टैक्स. और वो किस पे काम करने लगे, हमारे एंशियंट टैक्स पर. अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग, ट्रांसलेटिंग देम, उस मीनिंग को समझते थे, ट्रांसलेट करते थे, एंड मेकिंग देयर फाइंडिंग नोन्स टू अदर, कि कितने लोग इसके बारे में जानते हैं. सो दिस फ्रॉम इंडियन कल्चर, बट इट वुड आल्सो हेल्प इंडियंस रीडिस्कवर देयर ओन हेरिटेज. उसके साथ उन्होंने कहा कि हम लोगों को तो नॉलेज मिलेगी मिलेगी, इसके अलावा कि जो इंडियन पीपल हैं उन्हें भी अपने कल्चर को जानने का मौका मिलेगा. And understand the lost glories of their past. In this process, the British would become the guardian of Indian culture as well as its master. इस तरह से जो इंडियंस करिए क्या बने कि इंडियन कल्चर के गार्डियन बने, और इसके अलावा इंडियन कल्चर के मास्टर के नाम से भी इन्हें जाना गया. सो इन्फ्लुएंस बाय सच आइडियाज, मैनी कंपनीज ऑफिशियल आर्ग्यूड दैट ब्रिटिश ऑट टू प्रमोट इंडियन रादर दैन वेस्टर्न लर्निंग. तो बहुत से जो पर्सन थे उनका क्या रिक्वेस्ट था कि ब्रिटिशर से कि उन्हें प्रमोट करना चाहिए इंडियन कल्चर को, इसकी बजाय कि रादर वेस्टर्न लर्निंग की बजाय. सो दे फेल्ट दैट इंस्ट्रक्शंस शुड बी सेट अप टू इंकरेज द स्टडी ऑफ एंशियंट टैक्स, इंडियन टैक्स. कि ये क्या है, इंस्टीट्यूशन ऐसे बनाने चाहिए जो इंडियन टैक्स को लोगों तक पहुँचाए. एंड टीच संस्कृत एंड पर्शियन लिटरेचर एंड पोएट्री, लोगों को क्या बताना चाहिए इस लैंग्वेजेस के बारे में. सो द ऑफिशियल आल्सो थॉट दैट हिंदू एंड मुस्लिम ऑट टू बी टॉट व्हाट दे हैव आर ऑलरेडी फैमिलियर विद. वो कहते थे कि हमें उन इंडियंस को उस तरह से पढ़ाना चाहिए जिस तरह से इंडियंस पहले ही उस चीज़ों से फैमिलियर हैं जिसके बारे में वो जानते हैं. सो व्हाट दे वैल्यूड एंड ट्रेजर्ड नॉट सब्जेक्ट दैट वर एलियन टू दैम. कि किसी भी चीज़ को उनको अलग कैसा नहीं देना चाहिए जिसके लिए उनकी वैल्यू ना हो. ओनली देन दे बिलीव कुड द ब्रिटिश होप टू विन अ प्लेस इन द हार्ट ऑफ द नेटिव. उनको लगता था सिर्फ इसी तरह से हम लोग इंडियंस के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं. ओनली देन कुड द एलियन रूलर्स एक्सपेक्ट टू बी रिस्पेक्टेड बाई देयर सब्जेक्ट. कि इस तरह से हम लोग एक अलग चीज़ कर लाकर, एलियन क्या होता है कुछ डिफरेंट, कि उससे लोगों के मन में रिस्पेक्ट नहीं बना सकते. सो विद दिस सब्जेक्ट इन विद व्यू ऑफ मद्रासा. मद्रासा क्या था, एक स्कूल के लिए यूज़ किया गया एन अरेबिक वर्ड फॉर अ प्लेस ऑफ लर्निंग. ये ऐसे जगह जहाँ पर हम लोग कुछ सीखते हैं, एनी टाइप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस. सो विद द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से क्या किया गया कि मद्रासस बनाए गए कैलकाटा में 1781 में, ताकि किसको प्रमोट किया जा सके, स्टडी ऑफ अरेबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ को. एंड द हिंदू कॉलेज वॉज एस्टैब्लिश इन बनारस इन 1791. हिंदू कॉलेज को कब इस्टेब्लिश किया गया बनारस में, 1791 के अंदर, टू इनकरेज द स्टडी ऑफ एंशियंट संस्कृत टैक्स दैट वुड बी यूजफुल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री. इसके अंदर किसको, एंशियंट संस्कृत टैक्स को एंटर किया गया ताकि एडमिनिस्ट्रेशन और भी अच्छा बन सके. ये जो मॉन्यूमेंट है ये किसका है, मॉन्यूमेंट टू वॉरेन हास्टिंग्स बाय रिचर्ड बर्मन 1830 नाउ इन विक्टोरिया मेमोरियल इन कैलकटा. ये इस टाइम पर विक्टोरिया मेमोरियल में देखने को मिल सकता है कैलकटा में. ये इमेज क्या रिप्रेजेंट करती है, हाउ ओरिएंटलिस्ट थॉट ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया. ओरिएंटलिस्ट क्या होते थे, जो लैंग्वेज के साथ साथ कल्चर को भी प्रमोट करते थे. यू विल नोटिस दिस मजेस्टिक फिगर ऑफ हास्टिंग एंड एंथुजेस्टिक सपोर्टर्स ऑफ ओरिएंटलिस्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द स्टैंडिंग फिगर ऑफ अ पंडित ऑफ वन साइड एंड स्टेटेड मुंशी ऑन द अदर साइड. अब यहाँ पे क्या दिखा रखा है कि एक साइड तो कौन है, मुंशी है जो बैठा हुआ है, और एक साइड पंडित है जो खड़े हैं. ठीक है, हास्टिंग एंड अदर ओरिएंटलिस्ट नीडेड इंडियन स्कॉलर्स टू टीच देम द वर्नाकुलर लैंग्वेज. वर्नाकुलर होती है लोकल लैंग्वेज. वो किस में पढ़ाना चाहते थे, हमारी लोकल लैंग्वेज में. टेल अबाउट लोकल कस्टम एंड लॉ, कि जिससे हम अपने लोकल कस्टम्स और लॉज को जान सकें. हास्टिंग टुक द इनिशिएटिव. हास्टिंग ने क्या किया, इनिशिएटिव लिया टू सेट अप द कैलकटा मद्रासा, ताकि कैलकटा मद्रासा सेट किया. एंड बिलीव दैट द एंशियंट कस्टम टू द कंट्री एंड ओरिएंट लर्निंग और टू द बेसिक ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. इस तरह से क्या होगा कि हम लोग ब्रिटिश रूल को भी सेटअप कर पाएंगे इंडिया में.
नाउ एट ऑफिशियल शेयर दीज व्यूज मैनी वर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर क्रिटिसिज्म. इसके भी लोग क्रिटिसिज्म में थे. ओरिएंटलिस्ट दोज विद द स्कॉलरली नोन ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर. ये ऐसे पर्सन जिनको लैंग्वेज और कल्चर दोनों का ज्ञान होगा. मुंशी ए पर्सन हु कैन रीड राइट विद एंड टीच पर्शियन. एक वो पर्सन जो आपको रीड कर सकता है राइट कर सकता है पर्शियन लैंग्वेज को. वर्नाकुलर अ टर्म यूजुअली यूज टू रेफर अ लोकल लैंग्वेज. ये किसके लिए यूज़ की जाती थी? लोकल लैंग्वेज के लिए और डायलैक्ट्स के लिए. डायलैक्ट्स भी लोकल लैंग्वेजेस के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है. ठीक है, आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही. आगे हम करेंगे सेकेंड टॉपिक में कल. थैंक यू सो मच.